डब्ल्यू सी बी क्यूबी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। आप फोर बियरिंग को आपको कोई भी वैल्यू देंगे उसको आपको बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना होता है। ये न्यूमेरिकल एसएससी में एक या दो बार पूछा गया है और शायद इस बार भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं आज फोर बियरिंग। फोर बियरिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको कोई भी लाइन दे देंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ एन एस ई डब्ल्यू। अब यहाँ पे फोर बियरिंग देखेंगे तो जैसे कंपास हो गया या कोई भी आपका उपकरण जो एंगल मेजर करता है उससे आपको आगे की तरफ लाइन देखनी है। जैसे ए बी लाइन है तो ए बी के लिए क्या होगा, थीटा जो एंगल होगा ये क्या होगा, फोर बियरिंग होगा। अब इसी फोर बियरिंग को मैं देखूं तो यहाँ पे अपने को बैक बियरिंग निकालनी है, एन एस ई डब्ल्यू। अब ये थीटा क्या है, फोर बियरिंग, बट यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये फाई, ये एबी लाइन है, एबी लाइन का ही थीटा एंगल है, ये फोर बियरिंग है। अब इसी का एबी लाइन का जो बैक बियरिंग होगा वो फाई होगा। फाई क्या होगा, एबी लाइन का बैक बियरिंग, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज फाई। ये कैलकुलेट कैसे होगा, आप देख रहे हो ये एंगल थीटा है तो ये जो फाई है वो कितना है, 180 प्लस ये थीटा। जितना एंगल एन से बनता है बैक बियरिंग में उतना ही एंगल एस से बनता है, तो थीटा प्लस 180 डिग्री। इसके लिए जनरल फॉर्मूला आपका जो रहेगा बैक बियरिंग निकालने के लिए, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब प्लस और माइनस का क्या रहेगा, इसमें प्लस 180 तब यूज करेंगे जब आपका फोर बियरिंग का एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री हो, और अगर फोर बियरिंग का एंगल 180 से ज़्यादा है तो थीटा माइनस 180 हो जाएगा। मान लो 270, 260, 365 कोई भी एंगल यहाँ पे आएगा तो उसमें से 180 माइनस करके अपन क्या करेंगे, बैक बियरिंग निकाल सकते हैं। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ इसमें। ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग डब्ल्यू सी बी और एज वेल एज क्यूबी दोनों में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको क्यूबी की, जैसे क्यूबी एन एस एन ई एन डब्ल्यू एस ई एस डब्ल्यू आपको दे दिया, उसको चेंज करोगे आप फोर बियरिंग को बैक बियरिंग निकालोगे। इसी तरह डब्ल्यू सी बी का जो भी एंगल, सीधा एंगल दे दिया 90 या फिर आपको 27 डिग्री दे दिया या फिर आपको 97 डिग्री दे दिया, उसको आप चेंज करोगे इसमें बैक बियरिंग में। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास ए बी 12 डिग्री, पहला न्यूमेरिकल मैं बताऊं आपको, ए बी 12 डिग्री 24 मिनट, इसको आपको चेंज करना है, इसमें बैक बियरिंग निकालनी है। आपको फोर बियरिंग दे रखी है, ये ए बी लाइन की फोर बियरिंग है, एफ बी फोर बियरिंग ए बी लाइन की 12 डिग्री 24 मिनट है, इसको बैक बियरिंग में निकालना है। तो मैं पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ आपको। इसमें आपका फॉर्मूला यूज होगा फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है ये लेस देन 180 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री है, तो बैक बियरिंग कितना है आपका 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 180 डिग्री, यानी 192 डिग्री 24 मिनट आपका क्या आया, बैक बियरिंग आ गया। किसका, ए बी लाइन का बैक बियरिंग। इसको ऐसे लिखोगे आप, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना हुआ, 192 मिनट हो गया, 192 डिग्री 24 मिनट। बट अगर इसको आप डायग्राम में करोगे तो ये एंगल कहाँ से बनेगा, हर बार फोर बियरिंग का एंगल आपको एन से लेना है, एन एस ई डब्ल्यू। क्यों लेना है, क्योंकि ये डब्ल्यू सी बी में है और डब्ल्यू सी बी में कोई भी एंगल जो होता है वो एन से होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको।
तो यहाँ से एंगल आपका आया थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 24 मिनट आपको दे रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाके मिलेगा, क्योंकि जितना एंगल एन से होगा उतना ही एंगल एस से होगा। तो ये आपका 12 डिग्री 24 मिनट यहाँ से हो गया, एन एस ई डब्ल्यू। ये क्या है? फोर बियरिंग। और मैंने क्या कहा था आपको? एन से ही बैक बियरिंग लेना है। तो ये जो होगा फाई आपका बैक बियरिंग होगा, और ये क्या होगा? फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 180 डिग्री हो गया, तो आपका एंगल आ गया 192 डिग्री 24 मिनट। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से अपन इंक्लूड एंगल भी निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका इसमें, BC इज इक्वल टू 119 डिग्री 48 मिनट। ये इसके लिए फिर अपन डायग्राम बनाएंगे एक बार फिर, पहले न्यूमेरिकल से अपन सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। तो ये आपका एंगल है थीटा, थीटा फोर बियरिंग है आपका 119 डिग्री 48 मिनट, 119 डिग्री 48 मिनट फोर बियरिंग है। इसका बैक बियरिंग निकालेंगे, क्योंकि फोर बियरिंग जो है आपका जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका? बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, क्योंकि 180 से कम है इसलिए जुड़ेगा। तो 119 डिग्री 48 मिनट प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 48 मिनट 290 डिग्री 48 मिनट आपका क्या हो जाएगा? बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी। इसको ऐसे लिखोगे, बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी। अब इसको अगर डायग्राम में देखें तो आपको मैंने कहा था कि एन से लेना है, जब भी फोर बियरिंग आपको दी जाए हमेशा एन से लो। 119 डिग्री दे रखा है, इसका डायग्राम अपन बनाएंगे तो एन एस ई डब्ल्यू। इसके लिए 119 डिग्री आपका एंगल बना यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा? ऐसे एन एस ई डब्ल्यू। ये एंगल मैंने कहा था यहाँ से बना, जितना ये बनेगा एन से उतना ही बनेगा यहाँ एस एस से, बट आपको जो बैक बियरिंग लेनी है वो यहाँ से लेनी है, और ये होगी आपकी फाई। ये थीटा कितना है आपके पास? 119 डिग्री 48 मिनट। तो फाई कितना हो गया? कम है तो थीटा प्लस 180। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम में दे सकते हो 180 ये और प्लस ये कर देंगे, थीटा जितना भी है, थीटा कितना है इसके बराबर ही है, ये वाला एकांतर कोण है ये, इसलिए ये 119 है तो ये भी 119 होगा। तो वापस वही आ जाएगा आपका 119 डिग्री 48 मिनट प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 299 डिग्री 48 मिनट आपका क्या आ जाएगा? बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी। तीसरा एग्जांपल आपके पास है सीडी इज इक्वल टू, सीडी लाइन की फोर बियरिंग है आपके पास 266 डिग्री 30 मिनट। ये जो एंगल है ये एंगल आपका, ये जो एंगल है ये एंगल आपका यहाँ पे लिखेंगे थीटा, फोर बियरिंग आपकी है लाइन सीडी की 266 डिग्री 30 मिनट। ये एंगल आप देखो, ये एंगल 180 से क्या है? ज़्यादा है आपका, 180 से क्या है? ज़्यादा है। तो आपका एंगल बनेगा यहाँ पे फोर बियरिंग माइनस 180 यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 266 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री। 266 को आप अब डायग्राम में बनाओगे तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है इसके अंदर। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करना आपको 30 मिनट आएगा, और 6 और 16 में से 86 डिग्री
30 मिनट आपका लाइन सीडी का आ जाएगा, बैक बियरिंग। अब इसका डायग्राम जब अपन बनाएंगे तो डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, जब भी बनाओ आपको पता है ये 180 शब्द है और ये है फोर बियरिंग, तो आपको डायग्राम यहां पे बनाना है। एन एस ई डब्ल्यू। अब इसका बनाओ 266 यहां पे बनेगा, यहां बनेगा, यहां से बनाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहां के फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। जितना एंगल एन से बना उतना एंगल यहां पे एस से बना, बट आपको क्या लेना है, बैक बियरिंग। ये थीटा आपके पास कितना है, 266 डिग्री 30 मिनट, बट आपको यहां पे लेना है ये एंगल फाई। हमेशा जो बैक बियरिंग होगी वो एन से होगी, हमेशा बैक बियरिंग एन से होगी, और यहां पे एन से ये है, यहां पे आपकी फोर बियरिंग जरूर है लेकिन ये 180 से ज्यादा है, 266 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे फाई कितना आएगा आपका, थीटा माइनस 180 डिग्री, यानी 266 डिग्री 30 मिनट माइनस 180, जो कि एंगल आपका निकला था 86 डिग्री 30 मिनट। ये लाइन आपकी ऐसे है सी डी, ये सी डी लाइन की बैक बियरिंग है, ये सी डी लाइन की फोर बियरिंग है। तो एक बार आपको जब भी डायग्राम ना हो तो ध्यान रखना, जो एंगल बनेगा वो भी एन से होगा और उसकी जो बैक बियरिंग होगी वो भी आपको एन से लेनी है। लेकिन उसको बनाने से पहले आपको कन्फ्यूजन जब दूर करना हो तो जितना एंगल एन से बना है फोर बियरिंग में उतना एंगल बैक बियरिंग में एस से बनेगा, ये ध्यान रखना है बस आपको। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको, एन से जितना एंगल बन रहा है फोर बियरिंग में उतना एंगल एस से बनेगा बैक बियरिंग में, और आपका जो बैक बियरिंग की जो वैल्यू निकलेगी वो भी एन से ही निकलेगी। बैक बियरिंग का एंगल और फोर बियरिंग का एंगल दोनों एन से स्टार्ट होते हैं, बट इसको कंक्लूजन निकालने के लिए जितना एंगल एन से बनेगा उतना एंगल यहाँ एस से बनेगा, लेकिन वैल्यू वो होगी जो एन से होगी बैक बियरिंग में। ये कन्फ्यूजन रहता है इसमें, दोबारा एक बार सुन लो, जितना एंगल फोर बियरिंग में एन से बनता है उतना एंगल बैक बियरिंग में एस से बनता है, बट जो वैल्यू आती है आपकी बैक बियरिंग की वो हमेशा एन से आती है, और वो डिपेंड करती है कि एंगल आपका 180 से ज़्यादा है या 180 से कम है। फोर्थ न्यूमेरिकल अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो फोर बियरिंग है डी लाइन की फोर बियरिंग यहाँ पे 354 डिग्री 18 मिनट है। कोई भी क्वेश्चन अगर 360 से ऊपर आता है, जैसे आपके पास मैं मान लूँ ये 354 है, बाई चांस क्या होता है कई बार गलती से 365 डिग्री 18 मिनट, तो ऐसा कोई एंगल हो ही नहीं सकता, ऐसा एंगल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 360 से अबो है, आपकी लाइन कहाँ बनेगी, क्योंकि आपका पूरा एंगल ही 360 का होता है। तो उससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर 365 डिग्री 18 मिनट अगर किसी ने गलती से भी लिखा है कि इसकी फोर बियरिंग इसकी बैक बियरिंग निकालो, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन गलत ही होगा हमेशा ही, सिर्फ और सिर्फ 180 से अबो सकता है, 360 से अबो नहीं होगा इसमें फोर बियरिंग में। तो इस क्वेश्चन को देखें अपन, थीटा इज इक्वल टू फोर बियरिंग इज इक्वल टू 354 डिग्री 18 मिनट आपका यहाँ पे है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन डी ई 354 डिग्री 18 मिनट, बट वी कैलकुलेट फ्रॉम दिस बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। 180 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि आपके पास तो फोर बियरिंग की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 180, और उसके लिए आपको फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 180 माइनस करना पड़ेगा। तो 354 डिग्री 18 मिनट माइनस करेंगे 180 डिग्री से, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 174 डिग्री 18 मिनट। इसको अगर हम डायग्राम में बनाएं तो इसका डायग्राम बनाने से पहले आप ध्यान रखें, डायग्राम को नीचे बनाएं यहाँ पे एन एस ई डब्ल्यू, हमेशा जो फोर बियरिंग है वो एन से बनाओ, एन से आएगा यहाँ पे ऐसे 354, और ये आपका यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। जितना एंगल फोर बियरिंग में एन से बनता है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ थीटा इज इक्वल टू 354 डिग्री 18 मिनट आपका फोर बियरिंग है,
जितना एंगल यहाँ पे एन से बनता है उतना बैक बियरिंग में एस से बनता है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये एंगल यहाँ से होगा, बट आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, एन से। कहाँ से, एन से। एन एंगल जो फाई क्या है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ई, लाइन डी ई, बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस 180 डिग्री, जो कि हम सोल्व कर चुके हैं 174 डिग्री 18 मिनट, 174 डिग्री 18 मिनट। तो ये सारे एंगल किसके थे, डब्ल्यू सी बी के थे। अब क्यू बी में क्या होता है, क्यू बी में सिर्फ आपको जैसे आपके पास एंगल है एन 12 डिग्री 24 मिनट ई, इसको सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे कर दो एस और यहाँ पर क्या कर दो डब्ल्यू। ई है, ई है तो डब्ल्यू कर दो। क्यों करोगे, देखो यहाँ पे आपने देखा कि एन और डब्ल्यू के बीच में, मान लो ये एंगल इधर से होता एन और डब्ल्यू, या मान लो 12 डिग्री होता, तो यहाँ पे कहाँ होता ये एस और ई के बीच में 12 डिग्री, एन और डब्ल्यू के बीच में होता तो ये कहाँ होता एस और ई के बीच में। इसलिए क्यूब बी टाइप में अगर आपको फोर बियरिंग दी हुई है तो वह एंगल चेंज हो जाएंगे। मान लो यहाँ 12 डिग्री 24 मिनट एन ई है, तो उसका क्या हो जाएगा एस 12 डिग्री 24 मिनट बैक बियरिंग हो जाएगी उसकी। फोर बियरिंग अगर ये है तो इसको चेंज कर दोगे आप, ये क्यू बी है। इसीलिए मैंने पहले डब्ल्यू सी बी और क्यू बी के न्यूमेरिकल अपलोड किए, ताकि आपको कम से कम पता चले कि डब्ल्यू सी बी क्या है और क्यू बी क्या है, क्योंकि डब्ल्यू सी बी और क्यू बी से ये पूरी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग रिलेटेड है। अगर आपको डब्ल्यू सी बी क्यू बी के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये सॉल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसको अगर बाई चांस आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए इस क्वेश्चन की, मान लो अगर आप वैल्यू निकालो 354 डिग्री 18 मिनट, अगर आप इसको क्यू बी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, पहले ये वैल्यू निकालोगे। अगर आपको बोला जाए कि डब्ल्यू सी बी में आपको एंगल दे दिया ये ऐसा 354 डिग्री 18 मिनट, इसको आप लिखो क्यू बी की बैक बियरिंग में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 354 को क्यू बी में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, एन डब्ल्यू के बीच में एंगल आएगा, इसमें कन्वर्ट करोगे फिर इसकी क्या आएगी आपके पास बैक बियरिंग आएगी। तो पहले डब्ल्यू सी बी और क्यू बी आपको आना जरूरी है, उसके बाद में ही आप बैक बियरिंग और फोर बियरिंग निकाल पाओगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो इंक्लूड एंगल का होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा ये क्यू बी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम इंक्लूड एंगल निकालेंगे इससे, और इसे ट्रावर्स के लिए जो एंगल से बियरिंग निकलेगी वो बताएंगे, और बियरिंग से एंगल निकलेगा वो बताऊंगा। थैंक यू।